दोस्तों, एक 13 साल के लड़के की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। अब उसके माँ बाप उस लड़के को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। दोस्तों, उसके माँ बाप काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम है और इसके लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, लेकिन उसके माँ बाप उस बच्चे को लेकर जाते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में और जब वहाँ के डॉक्टर उस बच्चे की चेकअप करते हैं तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और उसके माँ बाप को कहते हैं कि इस बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल इसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने इस तरह से जकड़ा है, इसमें मारा है कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और आगे चल के ये कभी बाप नहीं बन पाएगा, ये साइंस कहता है। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है ये तो ऊपर वाले ही जाने, लेकिन इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों, उस बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, फिर पुलिस वाले आते हैं और जब उस बच्चे से पूछताछ करते हैं, जो बच्चा बयान देता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि आखिर उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर कॉलोनी में राम किशोर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी सावित्री देवी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका और प्रियंका की उम्र थी 17 साल। दोस्तों, आज के दौर में 17 साल की जो लड़कियां होती है, 16-17 साल की, वो सभी मैच्योर हो चुकी होती है, उनको समझ होती है हर चीज़ की, वो लोग सही गलत हर चीज़ की समझ रखती है। लेकिन दोस्तों, जो प्रियंका होती है वो 17 साल की तो हो चुकी थी, लेकिन वो दिमागी तौर से बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करती थी, छोटे छोटे बच्चों को अपना दोस्त बनाती, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती। लेकिन ज़्यादातर जो उसके दोस्त होते सभी लड़के ही होते, वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करती थी। और जो प्रियंका थी वो क्लास 11 पढ़ती थी, काफी बड़ी हो चुकी थी, उसके जो कद थे काफी लंबे थे और पूरी तरह से वो मैच्योर हो चुकी थी, मैच्योर ही दिखती थी। दोस्तों, जो प्रियंका थी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके माँ बाप उसको बड़े ही लाड़ प्यार से पालते थे, उसकी पढ़ाई लिखाई में परवरिश में किसी भी चीज की कोई कमी उन्होंने नहीं की थी। और जो प्रियंका के पिता थे वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो उनकी बेटी का रवैया होता है, उसकी जो दिमागी हालत कमजोर होती है, इससे उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे कि इतनी बड़ी हो गई है हमारी बेटी और इसे दिमाग ही नहीं है, अभी भी बच्चों की तरह करती है, बच्चों की तरह जिद करती है, बच्चों की तरह ही वो नटखट है और छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करती है, छोटे छोटे लड़कों से, यानी कि 10-12 साल के लड़के, 13-14 साल के लड़कों से उसकी दोस्ती थी, स्कूल में भी वैसा ही करती है, अपने से छोटे क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती करती है। और जो उसके कॉलोनी के बच्चे थे जितने भी लड़के, वो छोटे छोटे लड़कों के साथ ही दोस्ती किया करती थी, उन्हीं लोगों के साथ वो खेलती थी। और जो प्रियंका का शौक था वो भी लड़कों की तरह ही था, वो क्रिकेट खेलना पसंद करती, फुटबॉल खेलना पसंद करती और लड़के जो भी करते बस लड़कों की तरह ही वो प्रक्रिया किया करती थी। दोस्तों, जो प्रियंका के मम्मी पापा थे वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एक पर्सनल फ़ोन भी उसको दे रखे थे। अब प्रियंका उसी फ़ोन के जरिए पढ़ाई करती थी, लेकिन वो पढ़ाई से ज़्यादा उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल करती थी। प्रियंका को गंदी मूवी देखने की लत लग चुकी थी, गंदी गंदी जो वीडियोज़ होती है अलग अलग साइट पर आती है, उस साइट को वो ऑन करती और उसमें गंदी गंदी वीडियोज़ देखा करती थी। और उस वीडियोज़ को देख कर प्रियंका को उसकी लत लग चुकी थी। अब वो हमेशा पढ़ाई के दौरान अपना मोबाइल ऑन करती और उस मोबाइल में वो गंदी गंदी वीडियोस देखा करती थी। अब उस वीडियोस को देखकर प्रियंका के अंदर का जो हार्मोन होता है वो उत्तेजित होता, अब उसे भी मन करता है कि वो किसी लड़के के साथ इस तरह की हरकतें करे और वो हमेशा सोचती कि काश मेरे पास भी कोई लड़का होता जिसके साथ मैं ये सब हरकतें कर पाती, क्योंकि उसे देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है
और दोस्तों जब भी प्रियंका उस वीडियोस को देखती उसके पूरे बदन उत्तेजित हो जाता वो सब हरकतें करने के लिए। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलोनी में एक लड़के के साथ खेल रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सभी की उम्र लगभग 10 से 12 13 साल की ही होती है। सभी के साथ वो खेल रही होती है और वो मन ही मन सोचती है कि इसी में से मैं एक लड़के को ले जाऊंगी अपने घर और कभी ना कभी ये सब तो मैं जरूर करूंगी। दोस्तों ऐसे ही एक दिन सभी बच्चे अपने स्कूल से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद खाना वगैरह खाते हैं और सभी लोग चले जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। वो लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। दोस्तों उसी ग्राउंड में प्रियंका भी चली जाती है और प्रियंका एक लड़का होता है उस गांव का जिसका नाम होता है आकाश। प्रियंका की आकाश के साथ अच्छी बनती थी। प्रियंका का आकाश अच्छा दोस्त भी था। प्रियंका क्या करती है, आकाश को लेकर अपने घर चली जाती है और कहती है कि चलो आकाश मेरे घर, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों उस दिन शाम का वक्त होता है, प्रियंका के घर में उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, वो लोग बाहर गए होते हैं किसी काम से। अब प्रियंका के घर में कोई नहीं होता है, आकाश को लेकर प्रियंका चली जाती है अपने कमरे में और अपने कमरे का दरवाजा वो लॉक कर लेती है। अब दोस्तों प्रियंका जो होती है आकाश को अपने बिस्तर में लेटाती है और दोनों लेटकर मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोस देखने लगते हैं। जो साइड पर प्रियंका गंदी वीडियोस देखा करती थी अब वही वीडियोस वो आकाश को दिखाने लगती है। लेकिन दोस्तों जो आकाश होता है वो बहुत छोटा होता है, उम्र में 13 साल का लड़का होता है, उसे ये सब समझ में नहीं आता है। अब वो तो देख रहा होता है प्रियंका के साथ लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। अब जो प्रियंका होती है वो आकाश के साथ ही देख रही होती है। अब उस वीडियोस को देखने के बाद प्रियंका के पूरे बदन में आग लग जाती है। वो अब ये सब करने के लिए उसका मन कर रहा होता है और उसके साथ वो लड़का भी होता है। अब जो प्रियंका क्या करती है, अपने फ़ोन को बंद करती है। अब उस लड़के के साथ प्रियंका ज़बरदस्ती करने लगती है। प्रियंका अपने तन का एक एक कपड़ा हटाती है और उस लड़के के बदन से भी कपड़ा उतार देती है और उस लड़के के साथ प्रियंका ज़बरदस्ती करने लगती है। उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है, इधर उधर करने लगती है, पूरे बदन को वो छूने लगती है। और दोस्तों अब जो प्रियंका होती है उस छोटे से बच्चे आकाश को फोर्स करने लगती है, जिद करने लगती है कि तुम अपना प्राइवेट पार्ट मेरे में डालो। दोस्तों वो तो बच्चा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो किसी तरह वो जैसे जैसे बोलती है वो बच्चा करता है, लेकिन दोस्तों वो बच्चा नासमझ होता है, जितना उसे कर सकता था वो करता है। लेकिन दोस्तों जो प्रियंका होती है उसके अंदर की आग को वो छोटा सा बच्चा नहीं बुझा पाता है, क्योंकि वो नादान होता है, उसे इस सब की कोई समझ ही नहीं होती है। दोस्तों जब वो लड़का थक जाता है और कुछ नहीं कर पाता है, प्रियंका उस बच्चे को खूब मारती है और गुस्से में आकर उस बच्चे का प्राइवेट पार्ट को कस के दबा देती है और उसके पूरे बदन में थप्पड़ मारने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट को वो टॉर्चर करने लगती है। दोस्तों वो लड़का किसी तरह से अपने आप को संभालता है, प्रियंका को धक्का देता है और हड़बड़ी में वो अपना जो पैंट पहन रहा होता है और जब पैंट का चेन लगाता है उसी चेन में जिसका प्राइवेट पार्ट होता है वो फंस जाता है। दोस्तों जब आकाश का प्राइवेट पार्ट उसके चेन में फंस जाता है तो उसी वक्त जो उसके प्राइवेट पार्ट का मांस होता है उससे निकल जाता है चेन की वजह से। अब उसको वहीं पर ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत सारा ब्लड वहीं पर बहने लगता है। अब आकाश को बहुत दर्द होने लगती है, वो उसी हालत में जाता है भागता हुआ अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी को जाकर सीधे वो दिखाता है, कुछ कहता नहीं है। अब वो देखकर उसकी मम्मी भी काफ़ी घबरा जाती है और उसी वक्त अपने बेटे को लेकर चली जाती है हॉस्पिटल में। जब वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर साहब देखते हैं, डॉक्टर साहब देखने के साथ ही कह देते हैं कि इसका मैं यहाँ पर इलाज नहीं कर पाऊँगा, इसे आप लेकर जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में। दोस्तों जब डॉक्टर साहब वहाँ पर रेफर करते हैं आकाश को तो आकाश की जो माँ होती है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात के लिए डॉक्टर साहब मुझे बड़े हॉस्पिटल में क्यों भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो आकाश की माँ होती है उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये छोटी सी चीज़ उसके बेटे की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आकाश की जो माँ होती है अपने बेटे को लेकर चली जाती है उसी शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ लेकर जाने के बाद अपने बेटे को एडमिट करती है। जब डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं उसका चेकअप करते हैं। चेकअप वगैरह करने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं पूछते हैं कि इस बच्चे का, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि इस बच्चे का पेरेंट्स कौन है। तो जो आकाश की माँ होती है वो सामने आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है और बताइए इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए बात बहुत गंभीर है, आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट में किसी ने हमला किया है, इसके प्राइवेट पार्ट में किसी ने ज़ोर से मारा है, जकड़ा है, जिसकी वजह से आपके बेटे का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और साइंस के मुताबिक अब आपका बेटा फ्यूचर में कभी भी पिता नहीं बन सकता है।
दोस्तों यह सुनने के बाद आकाश के माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं पर वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उनको सलाह देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, आपका बेटा बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन वही है कि आगे चल के पिता नहीं बन सकता है। अब इसमें आप रोइए मत, आप हौसला रखिए, आपका बेटा यहीं पर है, अगर आप ऐसे रोएंगे तो आपके बेटे का क्या होगा। दोस्तों जो आकाश की माँ होती है उसी वक्त अपने पति को फ़ोन करती है, फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके बेटे के साथ किसी ने ज़रूर कोई हमला किया है या फिर इसके साथ किसी ने कोई गलत काम किया है, आप ये मामला पुलिस को बताइए ताकि पुलिस वाले इस पर छानबीन कर सकें। दोस्तों पहले तो आकाश की जो माँ होती है अपने बेटे आकाश से पूछती है कि बेटा बताओ तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है क्या। लेकिन दोस्तों जो आकाश होता है वो कुछ नहीं बता रहा होता है क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ होता है। और जो प्रियंका होती है वो आकाश को पहले ही धमका दी होती है, उसे धमकी दी होती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और जब गाँव के लोगों को तुम्हारे मम्मी पापा को यह बात पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है तो तुम्हें जेल हो जाएगी, पुलिस वाले अंकल तुम्हें बहुत मारेंगे। दोस्तों यह सब सोचकर आकाश अपनी माँ बाप से कुछ भी नहीं बताता है। उसके माँ बाप भी समझ जाते हैं कि मेरा बेटा जो है कुछ छुपा रहा है, और उसके माता पिता चले जाते हैं थाने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तभी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं आकाश के पास। बड़े ही प्यार से जो ऑफिसर होते हैं आकाश से पूछते हैं, लेकिन दोस्तों जो आकाश होता है वो इतना डरा हुआ होता है कि ऑफिसर को भी कुछ नहीं बता रहा होता है। जब पुलिस वाले बड़े ही प्यार से किसी तरह आकाश से पूछते हैं तो आकाश बताने को मजबूर हो जाता है और पूरी बात आकाश बताता है कि किस तरह ने प्रियंका उसे अपने घर बुलाकर ले गई, उसको अपने कमरे में ले गई, गंदी गंदी वीडियोस दिखाई और उसके साथ ज़बरदस्ती किया। जब आकाश उसके साथ सही ढंग से नहीं किया तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट को कस के पकड़ लिया, उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा, उसके पूरे बदन पर मारा। दोस्तों यह सब सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो सीधे चले जाते हैं प्रियंका के घर और प्रियंका को अरेस्ट करके थाने लेकर आते हैं। थाने लेकर आने के बाद प्रियंका से पूछते हैं तो जो प्रियंका होती है वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ मैंने आकाश को लेकर गया था अपने घर और उससे मैं संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वो लड़का इतना बेवकूफ़ है कि मेरे जिस्म की आग को वो बुझा नहीं पाया। दोस्तों वहीं पर आकाश की माँ भी होती है और वो कहती है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है कि अब वो कभी पिता नहीं बन पाएगा फ्यूचर में। दोस्तों यह सुनकर जो प्रियंका होती है वो हंसती है और कहती है कि वो बनेगा भी कैसे, जब वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, मेरे जिस्म की आग को नहीं बुझा पाया, तो वो आगे चल के किसके जिस्म की आग को बुझा सकता है। अच्छा हुआ जो आपका बेटा कभी फ्यूचर में पिता नहीं बन सकता। दोस्तों जो प्रियंका होती है वो पहले से ही दिमाग की कमज़ोर होती है, पुलिस वाले जो होते हैं उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं और प्रियंका के माता पिता भी वहीं पर होते हैं, तो पुलिस वाले प्रियंका को बाल सुधार केंद्र में भेज देते हैं। जब वो 18 प्लस हो जाएगी तो उसके बाद पुलिस वाले प्रियंका के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उधर जो आकाश होता है, आकाश का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो बच्चा आगे चल के ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो फ्यूचर में कभी पिता बनेगा भी नहीं, ये तो ऊपर वाले की ही मर्जी है। दोस्तों अभी के दौर में सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी स्मार्टफोन, जिसके ज़रिए बच्चे पढ़ाई करते हैं और माँ बाप बच्चों को इसीलिए मोबाइल देते हैं कि वो मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, बच्चे मोबाइल में गलत गलत वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, तो सभी माँ बाप को चाहिए कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं क्या नहीं उसकी आप खबर रखें, उसकी छानबीन करें, बच्चों का मोबाइल चेक करें। सिर्फ मोबाइल दे देने से नहीं होता है बल्कि मोबाइल का सही इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। आज इसी की वजह से प्रियंका ने गलत कदम उठाया और उसकी वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने, आप लोगों की इस कहानी के ऊपर क्या राय है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरी पिछली वीडियोज़ में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जेएस चौधरी द्वारिका दिल्ली से, सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से, सुफियान खान, संजय कुमार, मोहम्मद जमाल अंसारी, आजम नेटवर्क, विजय नागर, सुनील शर्मा, संतोष कुमार, लालजी शुक्ला, मोहन कुमार, इमरान मोहम्मद, शेख अब्दुल हाफिज अहमदनगर,
संजय कुमार, केपी सिंह चंडीगढ़ से, दाऊद अली खान, जीत गिल, गोविंद कुमार, शैलेश दीक्षित पीलीभीत से, राशिद अली फतेहपुर यूपी से, नसीमुद्दीन हमीरपुर यूपी से, शहाबुद्दीन यूपी से, नम्रता रसूल नीलगढ़ अहमदाबाद गुजरात से, दीपचंद असलम खान शहाबुद्दीन महाराजगंज से, अख्तर खान रूबी खान बदायूं यूपी से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरे वीडियो में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ज़रूर ले सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।